2000 के नोट को लेकर असद ओवैसी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। इन्होंने कहा, सरकार को पढ़ा लिखा होना चाहिए, सरकार को ये ही नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। इनके ऐसे कामों की वजह से जनता को लाइनों में लगना पड़ता है। मैं तो बार बार कह रहा था कि सरकार को पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपये का नोट लेके आए, कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 का नोट हटा दिया, तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या। पूरा देश को लाइनों में लगाए रखते हैं, पूरा दिन लाइनों में लगाए रखते हैं, हर 3-4 साल में लाइनों में लगा देते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अनप्रोडक्टिव काम है। जनता को अपने परिवार पालने के लिए और अपना काम करने के लिए उसमें लगना चाहिए, ना कि बैंकों के अंदर जनता लाइनों में लगी है नोट बदलवाने के लिए। वही संजय सिंह ने भी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, 2016 में जब क्रांति मानी गई थी, उस वक्त भी केजरीवाल जी ने कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तब भाजपाइयों ने क्या कहा, हमारे देश के चौथी पास राजा ने कहा कि 2000 की नोट आने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मित्रों, अब वही चौथी पास राजा कह रहा है 2000 की नोट खत्म करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मित्रों, ऐसे अनपढ़ आदमी को अगर देश का प्रधानमंत्री बनाओगे तो दिन रात कोई भी आके कुछ भी समझा के फैसला लेके चला जाएगा। ये क्या मजाक बना रखा है आपने। जब आप 2000 का नोट लाते हैं तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कितने बड़े बड़े दावे किए गए थे। कुछ लोग तो ये बता रहे थे कि 200 फीट नीचे अगर नोट गड़ी रहेगी तब भी चिप से पता चल जाएगा, ऐसा करिश्मा सब बता रहे थे। अब कह रहे 2000 की नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है क्या भाई। इंटायर पॉलिटिकल साइंस की तुम्हारी डिग्री हो सकती है, उस डिग्री का पता ना चले ये भी हो सकता है, लेकिन देश का बेड़ा गर्क मत करो। ओवैसी ने भी सरकार से कई सवाल पूछे। इन्होंने कहा, आखिर 2000 का नोट जारी ही क्यों किया गया था, क्या 500 का नोट भी जल्द वापस लिया जाएगा। कहा, 70 करोड़ भारतीयों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वो डिजिटल पेमेंट कैसे करेंगे। आपको बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें 2000 के नोट को बंद करने को कहा गया। इस सर्कुलर के तहत नोटों को 30 सितंबर तक बैंकों में जमा किया जा सकता है। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।